नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमडी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं, सभी का अभिवादन करती हूं। आपने देखा कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अपने चुनावी दौरे का आगाज़ किया और खुल करके कुछ बातें कहीं, कुछ विकास की बातें कहीं, कुछ लोगों के दिल को जानने की बातें की। लेकिन जहाँ इतना उत्तर प्रदेश में सियासी शोर मचा हुआ है, वहीं आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुँचती हैं तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आप जान पाएंगे कि प्रियंका गांधी क्यों उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। शुक्रवार को यानी कि आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुँचते ही गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरने पे बैठ जाती है। और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और प्रदेश में जो भय का वातावरण है उसको वो अपना निशाना बनाती है, उसे वो बात करती है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और प्रदेश में भय का माहौल बता करके प्रियंका 2 घंटे धरने पे बैठ गई और यूपी पुलिस ने जब उनसे कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के सवाल किए तभी उन्होंने मुंह नहीं खोला, उन्होंने पर्ची लिख करके उसका जवाब दिया। पंचायत चुनाव के दौरान भी कोविड था। प्रियंका के इस रुख से पुलिस और प्रशासन काफी हैरान है और काफी सकते में है। प्रियंका का ये मौन कब तक रहेगा कोई नहीं जानता, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। प्रियंका 1.5 साल बाद शुक्रवार को दोपहर लखनऊ पहुंची थी और एयरपोर्ट से लेकर के कांग्रेस कार्यालय तक प्रियंका का जगह जगह स्वागत हुआ। गांधी प्रतिमा पे गांधी का कार्यकर्ता भव्य स्वागत कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए प्रियंका के इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये और दौरा उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रियंका 2 दिन लखनऊ में गोखले मार्ग स्थित कॉल हाउस में रहने वाली हैं। इस दौरान उनका जिले से लेकर के प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात और बैठकों का कार्यक्रम है। और ये कांग्रेस महासचिव के आगमन को लेकर के प्रदेश मुख्यालय को भी एक तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। बाहर सड़क पे झंडे, बैनर, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। एयरपोर्ट से लेकर के पार्टी मुख्यालय तक करीब 28 जगह पे कांग्रेसी उनका स्वागत किया उन्होंने और प्रियंका गांधी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। और इससे पहले 27 दिसंबर 2019 को वो लखनऊ आई थी। तो दोस्तों, ये थी प्रियंका के दौरे से जुड़ी खबर। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए एमबी स्पीक्स। और हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।